तो वैसे यार आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने उठा लिया था पूरे के पूरे बुच्चर बॉस के बेटे को। और भाई हम लोगों का जो गैंग लीडर है ना, यानी कि ये जो बंदा हम लोगों के साथ बैठ है, इसके कहने पे हम लोगों ने उसको सीधा ट्रेन के ट्रैक पर डाल दिया था। और वो बंदा जो है ना ट्रेन के नीचे आके अब तक मर चुका है। अब हम लोग भाई वापस जा रहे हैं अपनी बेस पे, यानी कि ये मैं अपने बॉस को यानी कि ग्रुप गैंग के लीडर को वापस इसके मैंशन पे छोड़ने जा रहे हैं यार। अरे सर मेरे को एक बात तो बताओ, जब बुच्चर बॉस को पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ हम लोगों ने ये सब कुछ कर दिया है तो वो आप पे अटैक नहीं कर देगा क्या? अरे फ्रैंकलिन इतनी फिक्र मत किया करो, अभी तुमने देखा कि पुलिस भी हमारे पीछे थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक कॉल मिलाने से पुलिस भी पीछे से हट गई। हाँ भाई ये बात तो है, यानी कि गाइस यार आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पीछे पुलिस लग गई थी। और भाई एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल किया भाई इस बंदे ने और पूरी की पूरी जो पुलिस थी ना पीछे से हट गई हम लोगों के। तो भाई वो चीज़ देखे तो मैं भी एकदम को परेशान सा हो गया था। है ठीक है, आ चुके हैं हम लोग घर, यहाँ से अंदर जाना है सर? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन यहीं से अंदर जाना है। गार्ड वार्ड देखो भाई काफी सारे खड़े हैं यार। गाइस देखो अलग ही टाइप का यहाँ पे तो माहौल चल रहा है, सामने कितनी सारी गाड़ियाँ देखो खड़ी हैं और ग्रीन कलर की सारी गाड़ियाँ हैं, बीच में एक ब्लू गाड़ी है और बाकी ग्रीन कलर की गाड़ियाँ और आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भाई नेक्स्ट लेवल क्रेजी मैंशन है यार ये तो। अरे फ्रैंकलिन बस यहीं पर रोक दो। ऑलराइट ठीक है सर, मैंने यहाँ पर रोक दिया। यहाँ पे देखो भाई नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ खड़ी हैं, सामने भी देखो वो टैंक खड़ा है क्या, लिटरली एक भाई आर्मर वाली गाड़ी खड़ी है वो भी ग्रीन कलर की, ऊपर मशीन गन लगी हुई है। यहाँ पे देखो भाई डायमंड कलर की गाड़ी खड़ी है, डायमंड कलर की नहीं पूरी पूरी डायमंड की एक गाड़ी है, सुपरा लग रही है भाई मेरे को तो। सामने वाली साइड पे भी एक विंटेज कार खड़ी है। अरे फ्रैंकलिन तुम क्या कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें कहा है कि यहाँ पे तुम खड़े हो और तुम गाड़ियाँ देखने लगे हो। अभी सर मैंने पहले कभी नहीं ना देखी ना इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान और हैरान सा रह गया था। बाकी सर अभी मैंने आपको घर पहुँचा दिया, अपना मिशन भी कर लिया, तो मैं अपने घर जा सकता हूँ क्या वापस शिनचान चौक के पास? अरे हाँ हाँ उन दोनों को मैंने अब छोड़ दिया, तुम आराम से जा सकती हो। सर कोई गाड़ी ले जाऊँ क्या आपकी? अरे फ्रैंकलिन ठीक है वहाँ से एक गाड़ी ले जाओ, लेकिन वापस जरूर कर देना। जी जी सर वापस तो डेफिनेटली मैं कर ही दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे फ्रैंकलिन देखो टेंशन तो मैं लेता ही नहीं होता, टेंशन मैंने क्यों लेनी है, तुम जाओ घर आराम करो। ऑलराइट ठीक है सर, थैंक यू सो मच, चलते हैं यार गाइस यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी कौन सी लेकर जाएं भाई, ये वाली मस्त गाड़ियाँ लग रही हैं, स्पोर्ट कार भी मस्त है पर वो लेके नहीं जा सकते, ये बंदा फालतू में बोलेगा कि भाई स्पोर्ट कार किससे पूछ के लेके गया मैं। अरे ठीक है ये वाली गाड़ी ले जाते हैं, मस्त लग रही है भाई, निकलते हैं यहाँ से यार गाइस। यहाँ पे तो काफ़ी सारे इसने ना गार्ड वार्ड रखे हुए हैं बंदे ने, और आप लोगों को पता है यार इसने ज़बरदस्ती अपनी गैंग में ज्वाइन करा लिया हम लोगों को। मैं तो अच्छा भला बुच्चर बॉस के लिए काम करता था, और अभी मेरे को ना टेंशन ये है कि यार बुच्चर बॉस को पता चलेगा ना तो वो तो आतंकी मचा देगा, सबसे पहले वो मेरे पर अटैक करेगा उसके बाद इस बंदे को पूछेगा, क्योंकि बुच्चर बॉस के बेटे को तो मैंने ही किडनैप किया था। बट एक थोड़ा सा सीक्रेट है जो कि मैंने इस बंदे को अभी नहीं बताया और आप लोगों को भी नहीं बता होगा, वो भी मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊंगा। बट अभी मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की है कि शिनचान और चौप ठीक हो। आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर पर इस बंदे ने थोड़े अपने आदमी छोड़े थे ताकि वो शिनचान और चौप की ना प्रोटेक्शन कर सके। अभी देखते हैं जाके भाई शिनचान चौप क्या कर रहे हैं, मेरे को ना बस उन्हीं की टेंशन होती है हमेशा। और इस बंदे ने भी शिनचान चौप को मारने की बात की थी, उसी रीज़न की वजह से मैंने इसकी गैंग ज्वाइन की थी कि ये भाई शिनचान चौप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वरना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था इसकी गैंग ज्वाइन करने का और अपने बुच्चर बॉस को धोखा देने का। बट अभी जो भी था मेरे को करना पड़ा वो, और अब देखते हैं भाई चल के आगे का प्लान हम लोगों को कैसे सारा कुछ मैनेज करना है। वैसे ये ग्रुप गैंग का जो लीडर है ना ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो हमारे साथ उल्टा करेगा। एक मिनट, ओ भाई ये क्या हो गया यहाँ पे, ये बंदे क्यों मर रखे हैं यहाँ पे भाई, ये तो अपनी गैंग के ही मेंबर हैं और गाड़ी पे भी गोलियाँ चली हुई हैं, यहाँ पे भी शिनचान चौप भाई गाड़ी भी देखो कहाँ पे फंसी है भाई, यहाँ पे भी ये बंदा मर रखा है भाई, शिनचान चौप अरे भाई यहाँ पे भी ये बंदा मर है। चौप भाई चौप तुझे क्या हो गया, ओए चौप उठ भाई, ओए चौप, अबे भाई ये चौप को तो लगता है गोलियां लग गई हैं भाई, यहाँ पे देखो भाई पूरे पूरे गोलियों के निशान पड़े हैं, सारे घर पे गोलियां ही गोलियां लगी हुई हैं यार गाइस, भाटी ऐसा कर कौन सकता है, सबको मार गए यार सबको। बट चौप मेरे को जिंदा थोड़ा सा लग रहा है, सांस तो चल रही है इसकी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचाओ,
अबे चौप टेंशन मत ले, मैं तुझे बचाता हूँ। तो मैं तुझे लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी पे, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हिम्मत मत हार, मैं अभी तो लेके चलता हूँ। अरे भाई अभी ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे लग रहा है भाई बुच्चर बॉस ने किया ये सब कुछ। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चौप को उसने कैसे मारा, मैं उसकी जान ले लूंगा। चौप को अगर कुछ हुआ ना तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। भाई शिनचान पता नहीं कहाँ पे है। अरे भाई शिनचान तो मुझे पूरे घर में कहीं पे नजर नहीं आया। चौप भी होश में नहीं है। चौप को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं बाद में देखता हूँ। अरे भाई भाड़ में जाओ, पीछे हो जाओ तुम लोग। अबे हर बंदे को आके मेरे में आज भिड़ना है। भाई हॉस्पिटल यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर है, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ। चौप तू होश में है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया बहुत गोलियां मारी उन्होंने। अरे लेकिन वो थे कौन यार चौप? किसने गोलियां मारी और अटैक किसने किया? अरे यार पता नहीं, कह रहे थे कि उसने मेरे बेटे को मारा। मैं उस फ्रैंकलिन को छोड़ूंगा नहीं। भाई बुच्चर बॉस 100% गाइस बुच्चर बॉस का काम है ये, क्योंकि उसी के बेटे को हमने किडनैप किया था। बट उसको इतनी जल्दी पता कैसे चल गया? लाइक यार लिटरली गाइस यार मैंने अभी अभी जस्ट उसके बेटे को रास्ते से हटाया था, बट मैंने अकेले ये काम नहीं किया था भाई। मेरे साथ तो वो था भाई ग्रुप गैंग का लीडर, और उसको कुछ नहीं कहा क्या बुच्चर बॉस ने? हॉस्पिटल आ गया चौप, आ जा जल्दी से चलते हैं अंदर। गाइस यार अभी चौप को एडमिट करवा के आया हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चौप बच जाएगा, लेकिन खून उसका बहुत ज़्यादा ही बह चुका है अभी, तो मुझे ना खून का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई पैसे ले लो बट खून का बंदोबस्त खुद ही कर लो। तो उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया है। अभी वो कह रहे हैं कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, बट चौप ने मुझे बताया कि बुच्चर बॉस शिनचैन को अपने साथ ले गया है। अबे यार लेकिन साथ लेके जाने का क्या तुक बनता है, मेरे को ये अभी समझ नहीं आ रहा भाई। मैं सीधा का सीधा चलता हूँ भाई अपने ग्रुप गैंग के लीडर के पास। उसका नाम भी नहीं मेरे को पता अभी, तो उसका नाम भी पता करना पड़ेगा। बट अभी मेरे को उसके नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे को भाई उसको कहना कि मुझे बचाए और मेरी हेल्प करे शिनचैन को वापस लाने में। अभी शिनचैन पता नहीं किस हाल में होगा। बुच्चर बॉस ने शिनचैन को कहीं मार के फेंक ही ना दिया हो भाई, इसी बात की मेरे को टेंशन अभी पड़ी हुई है। अभी यार बुच्चर बॉस का घर भी यहाँ से बहुत दूर है। बुच्चर बॉस के घर में ऐसे अकेला चला गया ना तो डेफिनेटली वो तो मेरे को जान से मार देगा। तो मैं बेवकूफ़ी ये वाली नहीं करने वाला, इसलिए मैं अकेला नहीं जाऊँगा, सारा का सारा अपना बैकअप लेकर जाऊँगा। बुच्चर बॉस लगता है बहुत सारे गार्ड्स के साथ आया था। तभी तो भाई इतने सारे हम लोगों के गैंग के मेंबर भी मर चुके हैं, और भाई वो शिनचैन और चौप को लिटरली मार चुका है। चौप तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके मैंने उसको बचाया। और शिनचैन अभी पता नहीं किस हालत में होगा। यार मेरे को ये काम ही नहीं करना चाहिए था, मेरे को पहले ही पता था बुच्चर बॉस से कोई भी नहीं बच पाएगा। वो एक पूरा का पूरा माफिया का लीडर है। बट भाई इस बंदे ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं होने देगा शिनचैन और चौप को, बट अभी शिनचैन और चौप की जान दांव पे लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ इस एक बंदे की बेवकूफ़ी की वजह से। इसको मैंने बोला भी था बुच्चर बॉस के बेटे को हमें नहीं मारना चाहिए, बट इसने भाई फालतू के भाषण देखे, मेरा भी दिमाग ख़राब किया, और इसी वजह से भाई अभी बुच्चर बॉस ने मेरे घर पर अटैक कर दिया। इसके घर पर तो अटैक नहीं किया होगा डेफिनेटली, इसके घर में तो इतने गार्ड्स होते हैं। बुच्चर बॉस बेवकूफ़ नहीं है जो इसके घर पर अटैक करे। अरे भाई पीछे हो जा, हट जा, मेरे को अंदर जाने दे। अरे नहीं बॉस ने कहा है कि अभी कोई भी नहीं उनसे मिल सकता। अरे भाई उनको बता के फ्रैंकलिन यानी मैं आया हूँ, मैं मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। अरे नहीं बॉस ने कह दिया फ्रैंकलिन आए या कोई भी आए, किसी से इस वक्त वो नहीं मिलना चाहते, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अरे यार एक दफ़ा फ़ोन करके उनसे बात कर लो, हो सकता है वो मेरी बात सुन लें। अरे अच्छा रुको मैं करता हूँ बात। अरे नहीं बॉस ने कहा तुम अभी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। अरे यार अभी क्या करूँ मैं, मेरे पास तो यार और कोई बंदा भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। ड्राइवर क्या मदद कर सकता है मेरी, पता नहीं ड्राइवर को कॉल करूं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं। शिनचैन को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी यार ये किसका कॉल आ गया भाई मेरे को? अरे फ्रैंकलिन तुझे क्या लगा कि तू मेरे बेटे को मार देगा और मैं तुझे और तेरे खानदान को जिंदा छोड़ दूंगा? अरे अरे बुच्चर बॉस आपको क्या? अरे हाँ बुच्चर बॉस तेरी मौत। अरे सर आप मेरी एक दफ़ा को बात तो सुनो, मेरे भाई को प्लीज़ नुकसान मत पहुंचाना कोई, मैं आपसे आके बात करता हूँ ना। अरे नहीं अभी बात करने का टाइम तो निकल गया फ्रैंकलिन। अरे सर मेरी आप बात तो एक दफ़ा को सुनो। अरे तूने मेरे बेटे को मार दिया, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरे सर मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आप मेरी बात तो समझो, आपका बेटा बिल्कुल जिंदा है, सही सलामत है, मैं उसको अभी लेके आता हूँ आपके पास। अरे क्या बकवास कर रहे हैं फ्रैंकलिन। जी जी सर मैं सही बात कर रहा हूँ, आपका बेटा बिल्कुल जिंदा है,
मैं उसको अभी आपके पास लेके आता हूँ, प्लीज मेरे भाई शिनचान को मत कुछ कहिएगा। अरे ठीक है, मैं शिनचान को कुछ नहीं कहता, आधा घंटा है तेरे पास, जल्दी यहाँ पहुँच। जी जी सर, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पहुँच रहा हूँ आपके पास, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा, वो तो छोटा बच्चा है, उसको अभी इतना कुछ पता भी नहीं है। अरे तो मेरा बेटा बहुत बड़ा था जिसको तुमने मार दिया। अरे सर वो मरा नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, बस आधे घंटे में मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा। अरे ठीक है, आधा घंटा है, जल्दी पहुँच। हाँ जी जी सर, मैं पहुँच रहा हूँ। अभी गाइज यार, मैंने अच्छा किया था, बुचर बॉस के बेटे को मैंने मारा नहीं था, बल्कि उसकी बॉडी को मैंने भाई चेंज कर दिया था एक मॉर्ग से लाई हुई बॉडी के साथ। अभी मैंने यहाँ पे अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है, उसको जाके लेके आता हूँ जल्दी से। अगर मैं उसकी बातों में आके बुचर बॉस के बेटे को मार देता तो डेफिनेटली ये बंदा मेरी एक बात ना सुनता। यहाँ पे ये सामने एक सीक्रेट मेरा रूम है, यहाँ पे मैंने कहाँ पे उसको रखा था, हाँ भाई वो उस तरफ को रखा था ना, हाँ भाई इस कमरे में मैंने उसको डाला था, चल के देखता हूँ। मुझे पता था भाई उस बंदे पे यकीन नहीं करना चाहिए मुझे। ये देखो अभी बुच्चर बॉस का बेटा ये पड़ा हुआ है, बेहोश है, इसको उठा के लेके जाता हूँ, गाड़ी में डालता हूँ, ताकि भाई बुच्चर बॉस को मैं इसको देख के आऊँ और उससे शिनचान को वापस लेके आऊँ। ऑलराइट गाइस यार, इसको मैंने अंदर डाल लिया है, अभी सीधा का सीधा लेके निकलता हूँ इसको बुच्चर बॉस के घर की तरफ। बुच्चर बॉस बस शिनचान को कुछ मत कर दें, वरना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी एक गलती की वजह से शिनचान को कुछ हो गया। ऑलरेडी चॉप इतना ज़्यादा जख्मी है, मुझे अभी चॉप की भी टेंशन है, बट चॉप से ज़्यादा भाई शिनचान की टेंशन है, क्योंकि चॉप तो मेरे पास आ चुका है, बट शिनचान अभी उसी बंदे के पास है, और आप लोगों को पता है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है किसी भी मोमेंट पे। इसलिए भाई जल्दी गाड़ी चलानी पड़ेगी, ग्रुप गैंग के लीडर से मैं बदला ज़रूर लूँगा, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो इस बंदे ने मुझे अपने घर में घुसने तक नहीं दिया, और अब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको बताऊंगा कि मैं भी इसके काम नहीं आने वाला। शिनचान चॉप की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, और शिनचान चॉप ही जख्मी हो गए तो मुझे और क्या फ़ायदा हुआ इसकी गैंग ज्वाइन करके। अब भाई मैं बदला लूँगा इससे, और वो भी बहुत तगड़े वाला बदला लूँगा, इसको भी पता चलेगा कि मैं आखिर हूँ कौन। यहाँ पर आ गया भाई पूरा का पूरा बुच्चर बॉस का घर, यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं पूरे का पूरे बालाज गैंग के मेंबर, बालाज गैंग वाले हर जगह फैले हुए हैं यहाँ पे, और ग्रुप गैंग के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अबे शिट, मुझे लग रहा है ग्रुप गैंग का बंदा यहाँ पे है जासूसी करने के लिए। ओ भाई, तभी ये बुच्चर बॉस को सब कुछ पता चल गया था, ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। अब इस बंदे को बाहर निकालता हूँ और शिनचान को लेकर जाता हूँ साथ। सर देखिए, मैं अब आपका बेटा आपके पास ले आया हूँ, प्लीज़ मेरे को मेरा भाई वापस कर दें। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ? बेवकूफ, मुझसे गद्दारी का मतलब सिर्फ है मौत। तुम अगर मेरे बेटे को मार भी देते तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, वैसे भी यह नकारा मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे गद्दारी की और मिल गए जाके बिल्ले से। बिल्ले? बिल्ला कौन है सर? अरे वही ग्रुप गैंग का लीडर जिसके साथ तुमने मिलकर मेरे साथ गद्दारी की है। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, उसने मेरे छोटे भाई को और चॉप को पकड़ लिया था, मैं क्या करता सर, मैं मजबूर था। अरे तो तुम मुझसे बता सकते थे, मैं तुम्हारी मदद करता, तुम्हारे भाई और तुम्हारे डॉग को मैंने बचाया था कि नहीं बचाया था पहले भी? जी सर आपने बचाया तो था, बट उसके बाद उस बंदे ने अटैक कर दिया था, और उसने मुझे कहा कि आपके बेटे को उठा के रहूं, इस वजह से सर मुझे सब कुछ करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और इन लोगों ने मेरे पे गन तानी हुई है सर, प्लीज़ इनको को कि गन वन तो हटा लेना मेरे से। अरे नहीं नहीं, गन तो नहीं हटेगी, दफा हो जाओ अब तुम यहाँ से। अरे सर प्लीज़ मेरे भाई को तो वापस कर दें मुझे। अरे हाँ, उसको भी ले जाओ, वो पीछे पड़ा हुआ है, पकड़ लो उसको, उठा के दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सर आपने मेरे भाई के साथ ये क्या किया है? भाई शिनचान तू ठीक है क्या? हाँ यार फ्रैंकी भैया मैं ठीक हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है लेकिन। अरे टेंशन मत ले, आज मैं तुझे गाड़ी में लेके चलता हूँ, भाई बैठ गाड़ी में, मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ। हाँ यार ठीक है फ्रैंकी भैया, मैं आ रहा हूँ, आप बैठो। हाँ भाई मैं बैठ गया, जल्दी आ जाओ यार शिनचान। हाँ फ्रैंकी भैया, अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे यार लंबी कहानी है शिनचान। हाँ फ्रैंकी भैया, चॉप को गोलियाँ लगी थी, वो जिंदा तो है ना? हाँ भाई वो जिंदा है, अभी मैंने उसका बचा लिया था, पूरे के पूरे एंड वक्त पे मैं पहुँच गया था, और चॉप को मैं हॉस्पिटल भी छोड़ आया हूँ। हाँ फ्रैंकी भैया, लेकिन इन लोगों ने हम पे अटैक क्यों किया? यार तुझे पता ना कि अभी ग्रुप गैंग का जो लीडर था बिल्ला, उसके साथ मिलके मैंने भाई बुच्चर बॉस को धोखा दिया था, बस उसी से की सजा में बुच्चर बॉस ने तुझे उठा लिया था और चॉप को गोलियां मार दी थी। हाय फ्रैंकी भैया, इन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा था, अभी मुझे इतनी चोटें भी लगी हैं, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। अरे यार शिनचान, बदला लेंगे हम, बदला लेंगे इन सब से, इन दोनों की लड़ाई के बीच में हम लोग फालतू में आ गए और हम लोग ऐसे ही पिस गए, हम लोग इनको नहीं छोड़ने वाले अभी। गाइस यार मेरा अभी ना बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है, इन दोनों गैंग लीडर्स ने अपना अपना बदला तो ले लिया, बट
बट उस चक्कर में इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, और सबसे बड़ी बात जॉब पे इन लोगों ने गोलियाँ चलाईं और शिनचान को भी उठा के ले गए। अभी मैं इन लोगों को छोड़ने नहीं वाला। हाय फ्रैंक भैया, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अरे भाई, हम लोग जॉब को पिक करने जा रहे हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक सेफ जगह पे छोड़ के आऊँगा, और उसके बाद मैं प्लान बनाऊँगा कि कैसे मुझे इन लोगों से बदला लेना है। तुम दोनों को मारने का बदला इनसे कैसे लेना, अभी मैं पता लगाऊंगा। चौप को सबसे पहले लेके आते हैं जल्दी से। चौप भाई, अभी तो ठीक तो है ना यार? अरे हाँ यार, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दी मुझे, अभी थोड़ी दर्द तो हो रही है लेकिन मैं ठीक हूँ। अभी तुम दोनों को मैं सीधा का सीधा लेके जा रहा हूँ अपनी सीक्रेट लोकेशन पे, वहाँ के बारे में किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे तुम लोग शांति से रहोगे और मैं लेके आऊँगा इन लोगों से बदला जो कि इन लोगों ने तुम लोगों के साथ गलत किया है उस चीज़ का। हाँ फ्रैंक भैया, लेकिन आपको नुकसान पहुँच सकता है सब में। मुझे पता है मुझे नुकसान पहुँच सकता है, बट मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया, तुझे क्या लगता है शिनचान उसके बाद इनसे बदला लेना चाहिए क्या? हाँ फ्रैंक भैया, जरूर लेना चाहिए, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे ना यार। नहीं शिनचान, बहुत ज़्यादा खतरा है इस चीज़ में, मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग हर चीज़ की करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा जब सारी चीज़ें सेट कर लूंगा मैं खुद अकेले। हाँ फ्रैंक भैया, लेकिन इसमें तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हाँ भाई, खतरा तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा यार। शिनचान, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? हाँ फ्रैंक भैया, भरोसा तो है। हाँ भाई, भरोसा है, बस भरोसा मेरे पे तुम दोनों रखना, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो तुम लोगों के साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं मैं इन लोगों को छोड़ने वाला। कहाँ पे गया भाई हम लोगों का वो रहा सीक्रेट अड्डा, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तुम लोगों को बस वहाँ से बाहर नहीं निकलना, तुम लोगों को अंदर ही रहना है। अभी आसपास हम लोगों के पीछे कोई है तो नहीं ना? हाँ, मेरे को नहीं लग रहा हम लोगों का अब कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि भाई बुचर बॉस ने तो हम लोगों से बदला ले लिया, और जो अपना ये जो बिल्ला बॉस है ना, ये हम लोगों से बदला क्यों ही लेगा, क्योंकि इसके लिए तो हम लोगों ने पहले ही मिशन किया था। अब उतरो भाई शिनचान चौप जल्दी से और मेरे साथ अंदर आओ यहाँ पे। हाय फ्रैंक भैया, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। हाय फ्रैंक भैया, हम लोग यहाँ पे रहेंगे क्या? हाँ भाई, तुम लोग डेफिनेटली यहीं पर रहोगे और नीचे नज़र भी रखोगे, कोई भी अगर ऊपर तुम लोगों की तरफ आ रहा होगा तो तुम लोग फौरन से भाई छुप जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब तुम दोनों दोबारा से किडनैप हो, या फिर तुम लोगों की वजह से मुझे कोई भी और मिशन करना पड़े। अरे यार, हम लोग ध्यान रखेंगे अपना। हाँ भाई, तुम लोग ध्यान रखना अपना, और मैं अब चलता हूँ। अब मैं इन लोगों को बताता हूँ भाई, फ्रैंकलिन को जब गुस्सा आया, उसका दिमाग ख़राब हो, तो वो क्या कर सकता है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और सीधा जाता हूँ भाई साहब अपने बिल्ला बॉस के पास। उसको मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाला कि अभी यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ है, लेकिन वो तो पूछेगा कि भाई उसके आदमी जो मेरे घर पे थे वो कहाँ पे गए। बट उसका भी मेरे पास एक तगड़ा जवाब है, मैं वो दे के अपनी जान छुड़वा लूँगा। अभी बस मुझे इसके जितना करीब हो सके उतना करीब होना है, और उसके बाद मैं इस पर अटैक करूँगा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि अपना जो बुचर बॉस है वो ऐसे जाने देगा इस बंदे को, यानी कि उसको पता है कि अभी अपने जो ये जो बिल्ला बॉस है ना, इसने हमारा इस्तेमाल किया था बट अटैक, और इसके बेटे को उठाया तो इसी बंदे के कहने पे था हमने। तो मुझे अभी लग रहा है इन दोनों गैंग्स के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होने वाली है, जिसका फ़ायदा मैं उठाऊँगा और इन दोनों को ही रस्ते से हटाऊँगा और बन जाऊँगा लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर। अरे भाई, अब मैं जा सकता हूँ क्या? अरे हाँ, आप जा सकते हो, बहुत सफर गए। ऑलराइट, ठीक है, अंदर अब चलता हूँ जल्दी से, यहाँ पे गाड़ी वापस लगाता हूँ। गाड़ी की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इतनी गाड़ी इस बंदे के पास, एक आधी गाड़ी टूट भी गई तो इसको क्या ही होगा। उतरते हैं जल्दी से और चलते हैं, बात करते हैं भाई से कि इसको हम लोग मिलने आए थे, ये मिला क्यों नहीं हम लोगों से। हेलो सर। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम पहले भी आए थे यार क्या? जी सर, मैं पहले भी आया था आपसे इम्पोर्टेंट एक बात करने के लिए। अरे यार, तुम्हारे लिए हमेशा टाइम थोड़ी होता है मेरे पास, तुम मेरे खास आदमी तो हो लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं यार फ्रैंकलिन। जी सर, वो तो मेरे को पता ही है, अभी बहुत सारे काम तो आपको होते हैं, मैं बस थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछने आया था। अरे हाँ, पूछ लो। अरे नहीं सर, वो काम सॉल्व हो गया है। अरे अच्छा, चलो अच्छी बात है, अब तुम अपनी ड्यूटी पे दोबारा आ गए हो क्या? जी सर, मैं ड्यूटी पे आ गया और अब मैं यहीं पे आपके ना आसपास रहूँगा, ताकि ना आपकी सिक्योरिटी पे कोई भी अटैक ना हो पाए। अभी यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ यार गाइस, लेकिन आप लोगों को पता है कि ग्रूव स्ट्रीट में इस बंदे के सारे आदमी रहते हैं। अभी मेरे पास एक बंदा है जो कि ग्रूव स्ट्रीट के आसपास ही रहता है, यानी कि आप लोग सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ लेमार की। लेमार को कॉल करता हूँ जल्दी से, वो पता लगवाएगा कि अभी ग्रूव स्ट्रीट में चल क्या रहा है। हाँ हेलो लेमार। अरे यार फ्रैंकलिन, बड़े दिनों बाद फोन किए यार, कैसे है तू? मैं ठीक हूँ लेमार, अभी मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे जो कह रहा हूँ उस बात को तूने ध्यान से सुनना है, और किसी से वो बात करनी नहीं है तूने।
अरे हाँ यार, बोल क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात सीक्रेट है, तो तेरे पास आसपास कोई है तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। अभी ले मार, तू ग्रुप स्ट्रीट जा और जाके देख वहाँ पे कि कितने लोग हैं वहाँ पे। अरे यार मैं तो ग्रुप स्ट्रीट ही आया हुआ था, यहाँ पे तो बहुत सारे ये ग्रुप गैंग के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक सिक्योरिटी इन्होंने बढ़ा दी है आज सुबह से। हाँ भाई वो तो मुझे पता है कि क्यों बढ़ा दिया। अभी ले मार, मैं चाहता हूँ कि तू वहीं पे रुक, और अगर भी कुछ भी होता है ना वहाँ पे तो मुझे तू फौरन से बता। अरे यार लेकिन होना क्या है, मैं तुझे जितना कह रहा हूँ उतना कर भाई, हो सकता है वहाँ पे अभी अटैक हो, तो तू ना किसी अच्छी सी कवर वाली जगह पे छुप जा, और जैसे ही अटैक वहाँ पे हो तब मुझे तू बता दे। अरे यार लेकिन अटैक कौन कर रहा है? अभी ले मार, अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है ना, जितना बोला उतना कर बस तू। अरे यार चल ठीक है, अगर कोई अटैक करेगा तो मैं तुझे फौरन बता दूंगा। और लाइट ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि अपना बुच्चर बॉस किसी भी वक्त अटैक करेगा, और इस बंदे को यहाँ से जाना पड़ेगा ग्रुप स्ट्रीट को बचाने के लिए। काफी टाइम हो गई है लेकिन लेमार ने अभी तक कॉल नहीं की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी ये बंदा भी अंदर जा चुका है, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि लेमार ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया मेरे को। हाँ लेमार क्या हुआ, अटैक हुआ क्या? अरे यार फ्रैंकलिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं बॉलॉस गैंग के, और उन्होंने आके दावा बोल दिया है यहाँ पे, साथ में लॉस गैंग के भी लोग हैं यहाँ पे। अरे ये हुई ना बात, अभी इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा इन लोगों के छक्के छूट जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? अरे लेमार तू वहाँ से अब निकल जा, क्योंकि अभी यहाँ पे ग्रुप गैंग के मेंबर्स भी आते ही होंगे और वो आके उनसे लड़ेंगे। फिर मुझे तूने सिर्फ यही बताना है कि जीता कौन है इनमें से, अभी तक लगता है इन लोगों में से किसी को भी नहीं पता चला। बड़े ये बंदा क्यों आ रहा है ऐसे पैदल चलता चलता? अरे भाग क्या आ रहा है यार ये तो? क्या हुआ भाई? अरे तुम्हें बहुत बुला रहे हैं, जल्दी चलो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अरे बॉस बुला रहे हैं, ठीक है भाई चलते हैं, लेकिन बॉस है कहाँ पे? अरे बालकनी में अपने गैराज के ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है चलते हैं भाई। कहाँ रहे वो रहे बॉस? जी बॉस आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, अभी मुझे पता चला है ग्रोव स्ट्रीट में बॉलॉस गैंग के लोगों ने, यानी कि बुच्चर बॉस के आदमियों ने अटैक कर दिया यार। तो सर हम क्या चाहते हैं, मैं वहाँ पे जाऊँ क्या? अरे नहीं, तुम तो मेरे खास आदमी हो, तुम मेरे साथ रुकोगे, सारे के सारे लड़कों को वहाँ पे भेज दो, तुम मेरे साथ यहीं पे रहोगे। और ले ठीक है सर, मैं आपके साथ यहीं पे रहूँगा, और तुम मेरी बात सुनो, अभी सारे लड़कों को ले गए ना, अपना बैकअप लेके पहुँचो सीधा का सीधा ना ग्रुप स्ट्रीट, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल कर लेना। अरे ठीक है सर, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अल्लाह ठीक है, अब जल्दी से निकलो यहाँ से। सारे गार्ड्स ऑलमोस्ट जा चुके हैं यार गाइस, अपना बड़ा वाला टैंक भी जा चुका है और गाड़ियाँ भी अभी जा चुकी हैं। अभी सिर्फ थोड़े से 4-5 गार्ड्स और मैं ही बचा हूँ इस बंदे के पास। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इस बंदे को निपटा दें, अगर मैं इस बंदे को निपटा दूंगा तो सारी की सारी ग्रुप गैंग की कमांड मेरे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मैं इस बंदे का स्पेशल आदमी हूँ और ये इन सब लोगों को पता है। तो अगर मैं इस बंदे को निपटा दूंगा ना तो सारे लोग भाई मेरी बात माननी शुरू कर देंगे और मैं लीडर बन जाऊंगा ग्रुप गैंग का। हाँ भाई ये वाला आइडिया काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी इस बंदे को निपटाने के लिए मुझे बाकी के गार्ड्स को पहले निपटाना पड़ेगा, बट ये बंदा अगर यहाँ पे देख रहा होगा तो मैं नहीं निपटा पाऊँगा। अभी ये यहाँ पे खड़ा है, बट जैसे ये यहाँ वहाँ जाएगा तो इन सब बंदों को मैं उड़ा दूंगा। अभी ये बंदा गैराज से उतर के उधर को चला तो गया है, पता नहीं ये बंदा अब क्या करता है, बट हम लोगों को इसके पीछे पीछे जाना तो डेफिनेटली है। मैं सोच रहा हूँ गार्ड से पहले इसी बंदे को निपटा देता हूँ ना। हाँ भाई गार्ड से पहले इसी बंदे को निपटा देता हूँ, यही अच्छा आइडिया रहेगा। अगर ये बंदा ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली गार्ड तो फिर मेरी ही बात सुनेंगे। यहाँ पे अभी जो गार्ड थे सारे के सारे अभी जा चुके हैं, ये बंदे जो हैं ये इसके गार्डनर या फिर इसके पर्सनल ट्रेनर्स वगैरह हैं, तो आई गेस ये लोग इतनी दिक्कत नहीं करेंगे। मेरे को चाहिए कि इन लोगों को भी निपटा दूँ। अरे भाई ये बंदा तो एकदम कोई मुड़ गया। शिट भाई यहाँ से इस बंदे को उड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बंदा तो खुद ही चला गया यहाँ से। अभी इस टनल के अंदर मैं इस बंदे को मार तो सकता हूँ, बट गार्ड सामने खड़े हैं तो गार्ड्स कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर से कर देंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, एक एक करके सब लोगों को निपटाना शुरू करता हूँ। हाँ भाई उठियो मत, ये वाली गन मेरी काफ़ी सॉलिड है, इसके ऊपर साइलेंसर भी लगा हुआ है, तो आई गेस इस बंदे को अगर मैं निपटाऊँ इस गन के साथ तो काफ़ी सही रहेगा। हाँ भाई यही वाला आइडिया मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन ये बंदा तो ये जगह खड़ा ही नहीं रह रहा। अरे फ्रैंकलिन क्या हुआ, वॉक कर रहा हूँ मैं, तुम्हें भी कर रही है के साथ? नहीं नहीं सर, मैं तो बस नज़र रख रहा हूँ कि आसपास कोई बंदा ना हो, आप पे ऐसे हमला वमला ना हो जाए ना। अरे अच्छा ठीक है नज़र रखो तुम, और ऊपर गार्ड्स को भी देखो यार, जरा पता नहीं कहाँ पे रह गए, उनको मैं निकाल दूँ नीचे आके पहरा दें। ऑलराइट सर मैं देख लेता हूँ अभी ऊपर चल के, ऊपर तो एक ही गार्ड बचा है, अभी इस गार्ड को अगर मैं निपटा दूंगा तो कोई भी नहीं देखेगा मेरे को,
हाँ भाई यहाँ पे कौन ही देखेगा मेरे को। हेलो भाई साहब मेरी बात तो सुनना। अरे जी सर। ये पकड़ भाई। जी सर के बच्चे, मेरे भाई को तुम लोगों की वजह से पूरा का पूरा नुकसान पहुंचा, मेरे चौप को भी, और मेरे से पूछ रहा है। जी सर अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला यार गाइस, यहाँ पे चाहे कोई भी बंदा हो। यहाँ पे आई गेस ये बंदा है एक। हाँ हेलो मेरी बात सुनो, अभी मैंने सारे लोगों को भेजा था, तुम गए क्यों नहीं? अरे मैं बॉस का लेफ्ट हैंड हूँ, मैं क्यों जाता? तेरी ऐसे ऐसी, तू बॉस का हाथ आदमी था कभी? ऑलराइट एक बंदा ही बचा आई गेस, वहाँ से उस बंदे को भी मैंने अगर उड़ा दिया ना तो फिर डेफिनेटली कोई भी नहीं बचेगा इस बंदे को बचाने के लिए। वहाँ पे एक बंदा खड़ा है। हाँ भाई वहाँ पे डेफिनेटली एक बंदा तो खड़ा ही है, बॉस अभी यहाँ पे नहीं है, तो इस बंदे को मैं इजीली उड़ा सकता हूँ ना। किसी ने नहीं देखा अभी ये बात, सबके सबको अभी उड़ा दिया है, अभी बस वो बॉस का बच्चा बचा है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसको तो मैं हाथ से ही ऐसा पीटूंगा कि वो मर जाएगा। ये बंदा आखिर है कहाँ पे? वो सामने है ना। सबसे पहले लेमार से फ़ोन करके पूछता हूँ कि कौन जीता। हाँ हेलो लेमार, क्या बना भाई? अरे यार फ्रैंकलिन, ग्रूव स्ट्रीट वाले तो बहुत बुरी तरह यहाँ पे मर रहे हैं, सारे के सारे मर चुके हैं, एक दो आदमी ग्रूव स्ट्रीट के बचे हैं, बॉलोस वालों ने तो पूरा का पूरा कब्जा मार लिया यार यहाँ पे। फ्रैंकलिन क्या बात कर रहा है, सारे के सारे लोग मार दिए क्या लेमार उन लोगों ने? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन सब मर गए, एक आदमी अब बचा है, अरे वो भी मर गया, अरे लगता है पूरे ग्रूव गैंग का काम तमाम हो गया है। अरे ये तो बहुत सही बात हो गई, अभी ये बंदा अपने आप को बहुत प्रो समझ रहा था। हेलो बॉस मेरी बात सुनोगे जरा? अरे फ्रैंकलिन क्या हुआ यार? ये हुआ तेरी ऐसी तैसी, मेरे भाई को तेरी वजह से उन्होंने किडनैप किया, मेरे डॉगी को तेरी वजह से उसने मारा पीटा, गोलियां मारी और इतना जख्मी कर दिया। अरे फ्रैंकलिन पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है तू? अरे फ्रैंकलिन पागल हो गया क्या, मेरे पे हाथ उठाएगा? हाँ तेरे पे हाथ उठाऊंगा, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने ही आके पहले शुरुआत की थी। अरे लेकिन मेरे डायमंड तूने चुराए थे, तू इतना बड़ा गद्दार निकलेगा, मैंने तुझे अपनी गैंग में ज्वाइन किया, तुझे अपने भाइयों की तरह माना, तेरी फैमिली की हिफाजत की। अरे क्या हिफाजत की, तेरी वजह से मेरा भाई शिनचैन और चौप मरते मरते बचे, क्या हिफाजत की बता ना मुझे, अब बोल। अरे मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उनको कुछ ना हो, अरे लेकिन वो उनको हो तो गया ना, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अभी मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला भाई, ये मर भी नहीं रहा भाई, कितना मारूं मैं, कितना मारूं, पूरा गुस्सा निकाल दूंगा इस पे। अभी मुझे ये बता कि तू मेरे हाथ से मरना पसंद करेगा या फिर और पिटना पसंद करेगा? अरे तू मुझे मार देगा तो तू भी नहीं बच पाएगा, अरे वो तो हम लोग देखेंगे। अरे क्या कर रहा है, टांगों पे गोलियां क्यों मार रहा है? फ्रैंकलिन ये तू अच्छा नहीं कर रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तू या इस गैंग का कोई मेंबर भी बच नहीं पाएगा। अरे मुझे अपने मरने की फिक्र नहीं है अभी, मुझे बस फिक्र ये है कि मुझे तुझे ऊपर पहुंचाना है और टपकाना है। अरे मेरे लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, अरे तेरे लोग यहाँ पे होंगे तो वो तुझे बचाएंगे ना, लेकिन मैंने सबको पहले ही भेज दिया है और वो वहाँ पे ग्रूव स्ट्रीट में मरेंगे और तू यहाँ पे मरेगा। गद्दार, बहुत बड़ा गद्दार है तू। अरे वो तो मैं हूँ लेकिन मैं तुझे भी छोड़ूंगा नहीं। ये पकड़ भाई, ये पकड़। गाइस यार इसको मारने के बाद कुछ तो गुस्सा ठंडा हुआ मेरा थोड़ा बहुत, बट मेरा दिल कर रहा है कि इसको मारता जाओ, छोड़ू ना मैं इसको, इसकी वजह से चौप को गोलियां लगी, इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ, ना मैं बुच्चर बॉस को धोखा देता, ना बुच्चर बॉस से सब कुछ करता। एक बंदे को तो निपटा दिया यार गाइस, अभी मुझे करना ये है कि सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई भी बंदा यहाँ पे आए। वैसे तो सारे के सारे बंदे मैंने यहाँ से टपका ही दिए हैं, तो अभी यहाँ पे कौन ही आएगा इसको बचाने के लिए, बट जो बंदे वहाँ पे बचे हैं वो बंदों को तो बचाना पड़ेगा ना। अभी ग्रूव स्ट्रीट के कुछ लोग तो जिंदा बचे ही होंगे, लेमार को कॉल करता हूँ भाई, लेमार ही सही से बता पाएगा मुझे कि क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे तो सब लोग निपट गए हैं, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी बुच्चर बॉस ने हमला किया था और बुच्चर बॉस ने इनको मारा है। लेमार से बात हुई है अभी मेरी, कह रहा था कि ग्रूव स्ट्रीट पे तो पूरा का पूरा बॉलोस वालों ने कब्जा कर लिया है और पूरे के पूरे जो लोग हैं ना अभी अपनी गैंग के यानी कि ग्रूव स्ट्रीट के वो मर चुके हैं, थोड़े से लोग बचे हैं लेमार कह रहा था, तो मैंने उसको कहा कि उन लोगों को ना अपने साथ अपने घर ले जा, उनकी मरहम पट्टी कर और भाई उनके साथ मिलकर मैं एक नई गैंग शुरू करूँगा और मैं बनूँगा उसका लीडर। अभी यहाँ पे आप लोग देखो कि कहीं पे भी आप लोगों को ना नज़र नहीं आ रहे होंगे अपने ग्रुप गैंग के मेंबर, सामने देखो बॉलोस वाले मेंबर्स हैं,
अभी मैं इनके पास जाऊंगा तो पता नहीं है मेरे पे शूटिंग ही ना करनी शुरू कर दें। पता नहीं है भाई, अभी ये तो वही वाले टैंक वाली गाड़ी है भाई, सामने उल्टी पड़ी है। यहाँ पे देखो सारे के सारे लोग मरे पड़े हैं यार यहाँ पे, कैसे देखो। आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे भाई, ओ शिट भाई, भाई साहब मेरे को पहले लग रहा था मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, इन लोगों ने तो गोलियाँ चला दी भाई। भाई साहब तुम लोगों की ऐसी तैसी, भाई निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। भाई मैं क्यों निकल रहा हूँ, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बट यार यहाँ पे बहुत सारे ये लोग हैं, अकेला तो मैं इनका नहीं सामना कर पाऊँगा। मैंने कहा यार अभी आप लोगों के सामने लिटरली इनको कुछ बोला भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे आराम से निकल रहा था, बट इन लोगों ने पूरी की पूरी लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब जब लड़ाई इन्होंने शुरू की है तो ख़त्म मैं ही करूँगा। भाई साहब बहुत सारे लोग हैं यार गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं अकेले इनका सामना नहीं कर सकता। आई गेस अभी इनका बैकअप आने वाला होगा, इससे पहले कि इनका बैकअप आए मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। कुछ तो अभी मेरे को जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना तो अपनी गैंग कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी। पुराने घर तो मैं अपने आ चुका हूँ, देखता हूँ कि लेमार कहाँ पे है और वो बाकी के लोग कहाँ पे हैं जिनको हमने अपनी गैंग में रिक्रूट करना है अभी। अरे भाई लेमार सिर्फ यही लोग बचे हैं क्या? अरे हाँ यार, ये चार लोगों को मैं बचा पाया और इनको लेके मैं यहाँ पे आ गया तेरे घर। अरे बॉस हम बहुत मुश्किल से बचे हैं, थैंक गॉड आप आ गए। अपने बिल्ला बॉस नहीं आए क्या? अरे अभी बिल्ला बॉस का काम तमाम कर दिया भाई, बुचर बॉस ने हम लोगों के घर पे अटैक हुआ था और वहाँ पे सब लोग मारे जा चुके हैं, अभी मैं अकेला जिंदा बचा हूँ और अब तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे ठीक है बॉस, आज से आप हमारे लीडर हैं, बताओ हमें सबसे पहले क्या करना है। अरे तुम लोगों के पास वेपन है क्या? अरे नहीं बॉस, वेपन तो नहीं है अपने पास। अरे तो हम लड़ेंगे कैसे? अरे तो बॉस हमारे पास तो कोई भी आर्मर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, हम लोग कैसे लड़ेंगे? अरे यार क्या करें भाई, एक बंदा मैं गाइस यार वहाँ पे छोड़ के आया था अपने घर पे ताकि हिफाजत कर सके, अभी एक इसकी कॉल आ गई। हाँ भाई क्या हुआ? भाई मैं आ रहा हूँ वापस, वहाँ पे लड़के मैंने सारे सिक्योर कर लिए, चार लोग अभी बचे हैं जिंदा, तुम वहाँ पे ज़रा हिफाजत करते रहो। अरे बस यहाँ पे अटैक हुआ है, इन लोगों ने पूरा कब्जा मार लिया मैंशन पे, पुलिस ने भी रेड किया है, बिल्ला बॉस के मरते साथ ही पुलिस बुचर बॉस के साथ मिल गई है, सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया है बॉस। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंशन पे भी कब्जा कर लिया क्या? बेशट यार, अच्छे यार बिल्ला बॉस कह सही रहा था कि उसके मरते साथ ही पुलिस मिल गई भाई, बुचर बॉस के साथ मैंशन पे भी कब्जा हो गया है, ना रहने की कोई जगह है, ना प्लान बनाने की, ना खाने के लिए पैसे है, ना रहने के लिए घर है, और ना अटैक करने के लिए वेपन है। लेमार तू तो ये डील्स वगैरह करता रहता है गैंग वालों के साथ, किसी डील का इसी का पता है जहाँ पे वेपन स्मगल हो रहे हो? अरे यार एक डील होनी तो है आज रात को, वो बिल्डिंग वाला एरिया तूने देखा क्या? अरे बिल्डिंग वाला कौन सा? अरे यार वो कंस्ट्रक्शन साइड। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने देखी है, वहाँ पे ऐसा क्या है भाई? अरे यार आज रात को वहीं पे तो होनी है एक पूरी की पूरी वेपन डील, लॉज गैंग वाले शायद वो वेपन डील कर रहे हैं मेरी वेदर के लोगों के साथ, बहुत सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर वो वाली डील तू कर लेता ना किसी तरह, या उन पे अटैक करके तू और सारे के सारे वेपन ले लेता है तो तेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, वेपन से भरे हुए क्रेट होंगे वहाँ पे। अरे क्या बात कर रहा है, वेपन से भरे हुए क्रेट होंगे क्या? अरे हाँ यार, अरे गाइस यार मैं क्या करूँ, अकेला मैं उन सबसे डील करूँ क्या जाके? क्योंकि इन लोगों के पास तो लिटरली वेपन भी नहीं है, ना इनके पास कोई आर्मर है, अगर इनको लेके गया तो ये लोग तो मर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाके मैं पहरा देना शुरू कर लेता हूँ, जैसे ही रात होगी मैं इंतज़ार करूँगा उन लोगों का, और जैसे वो लोग आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ उन पर अटैक करने का सोचूंगा। सामने ही साइमन का शोरूम है, साइमन की मदद तो मैं ले सकता हूँ, बट साइमन आई डोंट थिंक तो कि मेरी कोई भी मदद करेगा। ये वाली वो कंस्ट्रक्शन साइड है, बट डील अभी कहाँ पे होगी ये मेरे को नहीं पता। रात तो अभी हो चुकी है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया, मुझे ये फिक्र लग रही है कि पता नहीं अभी यहाँ पे कोई आएगा अभी के नहीं आएगा। लेमार का दिमाग पूरे तरीके से ख़राब है, अभी मैं वहाँ में इंतज़ार कर रहा था और इसने मुझे बताया कि दूसरी कंस्ट्रक्शन साइड पर वो सारी की सारी डील हो रही है, और मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आप लोग गए थे यार लेफ्ट साइड पे देखो, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ऊपर कुछ तो लोग खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है डील यहीं पे चल रही है। बट अब मैं यहाँ पे घुसूँ तो घुसूँ कैसे, पहले मेरे को ये बता देता तो साथ वाली बाजू वाली बिल्डिंग में मैं किसी तरह घुस जाता, बट अब यहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ तो करके अंदर जाना पड़ेगा यार गाइस,
क्योंकि वेपन तो मेरे को चाहिए। वो ए वाली बिल्डिंग के ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ। हाँ भाई, यहाँ से मैं सीधा का सीधा ऊपर जा सकता हूँ ना, यहाँ से ही सीधा नीचे जंप मार लेता हूँ। पैराशूट तो है ही मेरे पास, मेरे को बस किसी तरह बाजू वाली बिल्डिंग में जाना है। अगर मैं बाजू वाली बिल्डिंग में जाने में कामयाब हो गया ना यार गाइस, तो फिर डेफिनेटली मैं इन लोगों को बिना पता चलाए अंदर घुस जाऊँगा। अभी यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, इन लोगों का ध्यान नहीं है शायद मेरे पे। नीचे तो पुलिस वुलिस भी है। ओ भाई, ये क्या झोल है यहाँ पे, ये क्या अब दिक्कत आ गई। एक तरफ तो माफिया वाले हैं जो कि डील कर रहे हैं, एक तरफ पुलिस है। भाई पुलिस की निगरानी में हो रहा है ये सब कुछ, ये क्या बात हुई भाई, पुलिस की निगरानी में कैसे हो सकता है ये सब कुछ। दिक्कत अभी ये है कि यहाँ पे ये बंदा है, अगर इस बंदे ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। शट शट भाई, मेरे को ये नहीं करना था। अभी इन लोगों ने मुझे देख लिया भाई, ये लोग तो निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इनको निकलने नहीं दे सकता। इन लोग, अरे भाई वहां से देखो भाई, ये बात, वो बंदे के पास मशीन गन है। आई गेस पुलिस ने भी रेड कर दिया शायद। भाई बिल्डिंग के अंदर मैं आ गया, ये रहा भाई ये बंदा, तेरी ऐसे ऐसे भाई, निकल यहाँ से। बस ऊपर ना हो कोई, अगर ऊपर हुआ ना कोई तो दिक्कत हो जाएगी फिर। इन सबको नीचे फेंकता हूँ और नीचे चल के इनको उठा के अपनी गाड़ी के ऊपर रख लूँगा। हाँ भाई, ये आइडिया सबसे मस्त है। यहाँ से पुलिस तो नहीं आ रही क्या? अरे शिट भाई, पुलिस 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 कहाँ से आ गई भाई। भाई साहब ये लोग तो फिर आ गए, ये FIB वाले जान नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से सारी चीज़ों को डालना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर। अबे यार ये और लोग आते जा रहे हैं, जितने वेपन हो सके मैं उठा के ले आया हूँ। अभी मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, बस मुझे थोड़ी सी और दूर जाना है। अभी तक पुलिस मेरे पीछे नहीं आई, तो आई गेस बैकअप अभी नहीं पहुँचा। बैकअप के पहुँचने से पहले मुझे अपनी जगह पर पहुँचना पड़ेगा। ऑलराइट ठीक है, सारे वेपन्स का जुगाड़ तो लग गया यार गाइस। अभी ये गाड़ी अंदर खड़ी हुई है तो यहाँ से कोई भी नहीं लेके जाएगा। अभी तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अरे यार फ्रैंकलिन, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। अरे भाई तेरी वजह से अभी मैं मरते मरते बचाऊ लेमार, तूने पूरे तरीके से मुझे गलत रास्ता बताया था। अरे यार गलती से हो गया ना मेरे से। अरे भाई तेरी गलती की वजह से भी मर जाता मैं। एक जगह अभी मुझे पता है, हम लोग वहां पे जा सकते हैं अपनी जगह का जुगाड़ करने के लिए। लॉस गैंग का एक पुराना वेयर हाउस है, मुझे नहीं पता क्या वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे यार गाइस, बट वहाँ पे आई गेस हम लोग अपनी बेस बना सकते हैं और वहाँ से सारा चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। अरे कौन सी जगह बॉस? अरे वो सैंडी शोर के पास है, बट हम लोगों के लिए वो एक अच्छी जगह बन सकती है। कोई भी वहाँ पे अटैक नहीं करेगा हम पे और हम लोग आराम से वहाँ पे रह भी पाएंगे। अरे बोल तो चलते हैं ना, वेपन हम लोगों के पास हैं, पैसे भी हैं, हम लोग जाके धावा बोल देते हैं, वहाँ पे जितने लोग होंगे उनको निपटा देंगे। हाँ वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, चलो फिर गाड़ी यार लेमार कोई होगी क्या? अरे यार फ्रैंकलिन, घर के पीछे देख एक मस्त गाड़ी खड़ी है, उसमें तू जा सकते है। तुम लोग भी जल्दी से अपने वेपन उठाओ और मेरे साथ आ जाओ। देखता हूँ भाई पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है। ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा मस्त लग रही है यार। हाँ भाई लेमार ने अच्छी गाड़ी तो रखी हुई है, ठीक है हम लोगों के ये काम आ सकती है, बट इसके गेट बहुत ही घटिया है। वैसे तो लेमार को भी हम लोगों के साथ चलना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि लेमार हम लोगों के साथ चलने को तैयार होगा, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में क्यों ही डालेगा, वो भी हम लोगों के लिए। गाड़ी तो वैसे यार गाइस नो डाउट बहुत मस्त है। सुबह भी आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर मैं टाइम देखूँ तो सुबह के 4 बज रहे हैं, बट हम लोगों को ये काम आज की आज ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने लेट किया ना तो बाकी के गैंग वाले जो है लॉस सैंटोस में आ जाएंगे, बॉलर्स गैंग के ऊपर अटैक करेंगे, या फिर बॉलर्स गैंग के साथ मिलकर ना पूरे का पूरा लॉस सैंटोस पे वो टेक ओवर कर लेंगे। और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे अपनी गैंग को खड़ा करना है अपने पैरों पे। सुबह भी होने वाली है गाइस और हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ा सा ही दूर है वो वेयर हाउस जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। लॉस गैंग के पता नहीं कितने ही मेम्बर्स वहाँ पे होंगे। अरे बॉस अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, हो सकता है लोग कम हो वहाँ पे। हाँ मैं इसीलिए तो ये वाला टाइम चूज़ किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे हम लोग जाके खड़ी नहीं कर सकते। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरे पीछे पीछे आना और जब तक मैं शूट करने का ऑर्डर ना दूं तब तक कोई बंदा शूट नहीं करेगा। अरे बॉस ठीक है। अरे हाँ बॉस, हम किसी को शूट नहीं करेंगे जब तक आपने को। अरे एक सेकंड, यहाँ क्या ड्रोन उड़ रहा है क्या भाई साहब? ये देखो गाइस यार, इन लोगों ने ड्रोन रखा हुआ है, पता नहीं कितने लोग हैं। अभी यहाँ पे भी ड्रोन है भाई, ये भी बंदा है सामने।
भाई काफी सारे लोग भी हैं यहाँ पे, ड्रोन्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं यार। अरे बॉल लेकिन ये कर क्या रहे हैं? अबे वो मेरे को अभी नहीं पता, अभी चुप करके मेरे पीछे पीछे आओ, जरा थोड़ा नीचे ही होकर चलना क्योंकि ड्रोन वगैरह उड़े हैं, अगर ड्रोन ने हम लोगों को देख लिया ना तो फिर अंदर वाले लोग अलर्ट हो जाएंगे, पता नहीं अंदर भी कितने लोग हैं, अगर मैं इसको निपटा सकूँ ना। हाँ भाई ये बात, वो बंदे को तो निपटा दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो, नीचे होके बैठो ना। और लाइट आई गई, यहाँ पे भी कोई बंदा तो हो गई, बैक साइड पे भी बंदा खड़ा किया हुआ है इन लोगों ने। ये बात तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, गन किधर है तुम लोगों की? हाँ जल्दी से मेरे साथ चलो, आई गेस ये लास्ट बंदा इस तरफ का बचा है, इसके अलावा तो कोई बंदा नहीं, यहाँ पे मशीन गन लग रखी है, आई गेस ये वाली ऑटोमेटिक मशीन गन है। हाँ भाई ऑटोमेटिक लग रही है, यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं ना। हाँ भाई सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट करते हैं ताकि ये हम लोगों पर ना अटैक कर दे। हाँ भाई इन लोगों ने भाई कुछ अलग सा ही सिस्टम लगाया हुआ है यार गाइस, यानी कि यहाँ पे देखो गोलियाँ वोलियाँ भी हैं और सारी की सारी गंज वगैरह भी हैं। आई गेस अंदर तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक तो कोई भी नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे भी कोई नहीं है, ध्यान से आना तुम लोग, जरा चौकन्ने रहना। अरे जी बॉस हम चौकन्ने हैं। ओ शिट भाई यहाँ पे तो कोई मर रखा है, पता नहीं किस बंदे को ला के इतना टॉर्चर किया है कि वो मर ही गया बेचारा। यहाँ पे इन लोगों ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। ओ भाई कितने वेपन और भाई पैसे वैसे, ओ भाई नीचे देखो भाई कैश ही कैश पड़ा हुआ है। ये हुई ना बात, हम लोग अमीर होने वाले हैं और ये बेस पे हम लोग कब्जा भी करने वाले हैं। पीछे हो जरा, और यहाँ पे भी भाई कितने पैसे और भाई ये कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें ही कर रहे हैं भाई। मेरे को तो लगा था कि ये वाला जो वेयर हाउस है ये पूरे का पूरे तरीके से बेकार पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे इन लोगों ने अंदर भाई ये देखो लोगों को नशे पे लगा रहे हैं भाई ये लोग तो। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है बट मैंने दो बंदे देखे थे यहाँ पे, हाँ भाई दो बंदे देखे थे बट यहाँ पे फिलहाल तो एक ही बंदा नज़र आ रहा है। इसको हम लोग नॉक करते हैं जल्दी से, और एक बंदा वो सामने मेरे को नज़र आ रहा है। ये हुई ना बात, हम लोगों ने अच्छे तरीके से अभी नॉक कर दिया गाइस यार, ऑलमोस्ट सब लोग ही नॉक हो गए हैं। ये ड्रोन गिरा सकते हैं क्या? बहुत ही साइलेंटली गाइस अभी हम सबको उड़ाते चले जा रहे हैं। आई गेस कोई बंदा और नहीं बचा सिवाय इन दो नमूनों के जो कि यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं। ये हुई ना बात, आई गेस एक वो लास्ट वाला बंदा वही बचा है, हाँ पूरा का पूरा ये बंदा बचा है और ये इसके नीचे ही मरेगा भाई। ये हुई ना बात, ये एक बंदा रह गया क्या? ऑलराइट आई गेस ये हेलीकॉप्टर, ओ शिट भाई कोई तो निकला अभी यहाँ से, कोई भी यहाँ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को, कोई ना कोई मिसाइल तो इस पर चलानी पड़ेगी अभी। बट आई गेस वो बहुत ऊंचा चला गया, इतना ऊंचा तो नहीं मैं जा पाऊंगा। अबे शिट यार वो बंदा निकल गया यार, पता नहीं वो बंदा कौन था और वो ऊपर से क्या क्या देख के गया, पता नहीं उसने हमें देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, अभी मेरे को कुछ नहीं पता। ऑलराइट तो गाइस यार फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और गेम प्ले भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे पूरा का पूरा बुचर बॉस से बदला लेने के लिए, यहाँ पे मैं शिनचान और चॉप को भी ले आऊँगा और वो भी यहाँ पे सेफ रहेंगे। मैं अपनी गैंग में और लोगों को भी भर्ती करूँगा और हम सब मिलकर जाएंगे फिर बुचर बॉस से बदला लेने के लिए। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी है जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो लगी अच्छी तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो जल्दी से मार दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो, एड रिव्यू जो इंस्टाग्राम हैंडल है लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं शिनचान चॉप और हम लोगों के गैंग के मेंबर्स आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।